आज भाजपा सरकार जो भी मोदी सरकार जो है जीएसटी का पैसा लेकर जो अपने पूंजीपति भाई हैं उनको उनका कर्ज माफ करने में बाकी का पैसा विधायक खरीद फरोख्त करने में लगा रही है और इसके चलते हुए जो हमें आज मक्खन है दूध सही है उस पर जो है जीएसटी देने का भी वजन भारतीय स्तर पर बढ़ा हुआ है। एक आम कार्यकर्ता इन चीज़ों को झेलने में असमर्थ है, इसी को लेकर जो है आज आम कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी की बैनर तले जुटाकर रोड प्रदर्शन जता रहे हैं कि मोदी जी जो है अपने पूंजीपति साथियों का जो है कर्ज माफ करने में लगे हुए हैं और आम जनता की जो है महंगाई के बोझ तले दबाने का काम कर रहे हैं, तो ये बहुत ही निंदनीय है। और मैं मोदी जी से अपील करना चाहूँगा कि जो ये फ्री की रेवड़ियाँ हैं इनको बांटने काम बंद करें और जो महंगाई है उसको कम करने का काम करें। जो तो कह रहे हैं कि आप लोग दिल्ली नहीं बांट रहे हैं, नहीं हम मतलब किसी आम जनता को अगर हम कोई स्वास्थ्य शिक्षा पे अगर हम काम कर रहे हैं तो ये फ्री की रेवड़ी होगी, वो अगर उनको माफ करना है तो एक किसान का कर्ज माफ करें, पूंजीपतियों का कर्ज माफ करने के लिए बचाऊंगा भाई। हम लोग जो आम जनता को आम जनता के हित की बात करना चाह रहे हैं, ये सरकार आम जनता की है, आम जनता के लिए काम कर रहे हैं। देखिए ऐसा है, जब जब अत्याचार बढ़ता आम आदमी पार्टी के बैनर तले लोग विरोध प्रदर्शन करते हैं, आज भी जो है ये महंगाई का एक अत्याचार है, एक महंगाई का राक्षस है, इसको खत्म करने का काम आम आदमी पार्टी ही कर रही है। गुजरात नहीं, गुजरात में आम आदमी पार्टी का जनाधार बढ़ रहा है और हम सरकार बनाने में भी गुजरात बिल्कुल बनाएंगे, बिल्कुल निष्पक्ष सरकार होगी, कहीं ढूंढे नहीं मिलेंगे। नहीं कोई दिक्कत नहीं, गुजरात से तो बहुत सारे साथी, पंजाब से भी बहुत सारे साथी आते, तो कोई ढूंढे मिल गया वहाँ बताइए। कुल मिला के आज जनता समझ चुकी है कि कौन जनता के हित में काम कर रहा है, कौन जनता के विरोध में कर रहा है। आज जनता के हित में काम माननीय केजरीवाल जी कर रहे हैं, जनता की मूलभूत आवश्यकताओं को अगर देने का काम कर रहे हैं तो माननीय केजरीवाल जी।